प्यारे भैयाओं, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 2.2। चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद में हमने इस चैप्टर के जो फॉर्मूले थे वो मैंने अगली वीडियो में आपको दिखा दिए थे। देखिए, दूसरा प्रश्न है, पहले प्रश्न के प्रश्न भी मैंने आपको पहले वीडियो में करा दिए थे। दूसरा प्रश्न देखो आप, निम्न के दीघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया गया है। इसमें चार सवाल है, पांच छह सवाल है। छह में से मैं आपको पहला सवाल करने का दिया था, दूसरा सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। दूसरा सवाल भी पहले करे आएगा जैसे पहले कराया था, ठीक है। अब जिन्होंने नहीं करा हो वो दूसरे पर कर लेना। सबसे पहले देखो आपको लिखा है शून्यकों का योग और गुणनफल। ये आगे का मान जो है वह शून्यकों का योग दे रखा है और बाद का मान है वह शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। ये सूत्र मैंने लिखा था, अगर आपको शून्य दे रखे हो तो हम द्विघात द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। द्विघात बहुपद के बराबर भी एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग फिर एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल प्रतिपन्न कर देंगे। के करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग आपको यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से यहाँ लिख देंगे एक्स का एक्स और गुणनफल आपको दे रखा है यहाँ से यहाँ लिख देंगे। अब आप देखना के करेंगे एक्स स्क्वायर पर बटे में कुछ नहीं है, एक लगा देंगे। इस पर इससे गुणा कर दिया, बटे में कुछ एक लगा दिया, एक बटा दिए। क्यों? क्योंकि इसका एल्सियम लेंगे अपन, एक से बटे में लगाइए। इन तीनों का एल्सियम अपन ने भी ले लिया, एक का भाग तीन बार तीन पर से गुणा किया, तीन एक सूखा है, एक का भाग तीन बार तीन पर से गुणा किया। अब इससे गुणा नहीं होगा क्योंकि सूख है तो तीन आगे आ जाएगा, अगर तीन का भाग तीन में एक बार जाएगा एक पर से गुणा करेंगे। अब अचर पद कौन कौन होते हो? बटे में जो बटे में संख्या लिखी हो गए चरे या के लिए हो गए चरे, तो हमने तीन को इस के बटे में कर दिया। और बहुपद में ये है कि अगर सारे पदों में कोई कॉमन आ रहा हो तो उस बहुपद को यानी उस बहुपद से कॉमन लेके और शेष बची संख्या का बहुपद उसके समान मानते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको हटा दिया और यहाँ पर इसको लिख दिया, तो ये हो गया द्विघात बहुपद। इसको हल करने का एक मेथड हो गए, एक पे डायरेक्ट वाला है, अगर ये समझ में नहीं आता ढंग से तो एक मेथड हो गए जो आपके रूप में एग्जाम्पल भी इस मेथड से करा सकते हैं। और आप जहाँ तक सवाल थे वहां तक आप इसी मेथड से सवाल करें। ये तो तब है जब आपको सवाल नहीं आता हो, लेकिन अगर नहीं आता तो इस मेथड से करें, लेकिन अगर आपको इस मेथड से आता है तो इसी मेथड से करने की कोशिश करें क्योंकि आपके घूमने भी इसी मेथड से हो रहे हैं, ठीक है। अब देखना, हमें दे रखे हैं शून्यकों का योग और गुणनफल, दोनों बात देखिए। सवाल वही कर रहा हूँ मैं, दूसरे में था उस तरीके से मैंने आपको सूत्र में लिखा रखा है शून्यकों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये लिखा रखा है। तो देखो यहाँ लिखा मैंने माइनस बी अपॉन ए, ये का ये है क्या छोटे में कर रहे हैं। गुणनफल लिखा रखा मैंने सी अपॉन ए, ये का ये है क्या। अब यहाँ देखो आप एक का मान तीन और एक का मान एक आ रहा है, दोनों बराबर नहीं आ रहे, दोनों को बराबर करना है। एक का मान तीन है, इसको भी तीन करने के लिए मैं ऊपर नीचे किसको गुणा करूंगा, तीन से गुणा करूंगा, तीन से इसको गुणा किया गुणा नहीं होगा तो तीन आगे जाएगा दो चल जाएगा, तीन का तीन बटे में जाएगा माइनस बी बटा ए का मान लिया गया और सी बटा ए का मान किया गया, दोनों में देखो एक का मान समान आ रहा नहीं आ रहा, तो मैं लिखूंगा एक व दो से समीकरण एक समीकरण दो, दोनों में एक का मान तीन आ रहा है तो एक का मान तीन लिख दिया। बी का मान देखो एक में माइनस एक में प्लस एक, तो बी का मान माइनस तीन गुण दो क्योंकि इसमें माइनस लग रहा है, सी का मान तीन का लेगा। बी का दो पद का मान को दिखा के मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी लिखा रहता है। अब एक का मान यहाँ से मैंने तीन पढ़ दिया, बी का मान यहाँ से मैंने माइनस तीन अंजूट दो, एक्स का एक्स आ जाएगा और सी का मान यहाँ से कर देंगे, सी का मान एक कर देंगे, यहाँ से सी का मान करेंगे वन, यहाँ
यहाँ भी क्या बन रही है वन और यहाँ भी क्या बन रही है वन। तो ये आंसर आएगा, ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों तरीके सही है, आप कोई से भी तरीके से कर सकते हो। प्रयास यही करना, इस तरीके से सीखने की आप कोशिश करना। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम एक सवाल और खड़ा कर सकते हैं इसमें से। जैसे मैंने सेकंड कराया है वैसे हम फोन कर सकते हैं, घर कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। इनमें से जो सवाल बिना बटा वाले हैं वो सवाल डायरेक्ट सूत्र से करोगे तो बहुत छोटे पड़ेंगे और छोटे जाएंगे। देखना मैं कराता हूं आपको, पर दूसरे का कर पहले तो यहां देखा है शून्य को का योग दे रखा है आपको जीरो, देखो, और शून्य को का गुणनफल आपको दे रखा है बराबर अंतिम पांच। ऐसे सवाल में जिनमें बटे में कोई नहीं है तो डायरेक्ट सूत्र में अगर के नहीं लिखे तभी कोई दिक्कत नहीं है, और लिखोगे तो हटाना पड़ेगा। तो यहां लिखा मैं द्विघात बहुपद और मैं लिखा रखा है के एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग योग एक्स प्लस शून्य को का गुणनफल, ये लिखा रहता है मान लो कि आगे के का के एक्स स्क्वायर शून्य को का योग देखा जीरो एक्स और गुणनफल में रहता है अंडर रूट फाइव। देखना के का के एक्स स्क्वायर जीरो पर से गुणा करो जीरो अंडर रूट पांच, के का के एक्स स्क्वायर ये जीरो हट सकता है। अब यहां गुणा क्या है के को बता सकते हैं, अतः द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट पांच, ये आंसर हो जाएगा। इसका क्या है हम सेकेंड मेथड लिखें, सेकेंड मेथड दूसरे तरीके से कर सकते हैं। देखो यहां लिखा है शून्य को का योग, सवाल नहीं है दूसरे का चाहिए बराबर देखा आपको जीरो और शून्य को का गुणनफल दे रखा है अंडर रूट पांच। कई बार ये योग जीरो है गुणनफल अंडर रूट पांच है, इसका मान सूत्र लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए, जीरो को जीरो टाइप कर दो गुणनफल सी अपॉन ए अंडर रूट पांच बटा ए। अब देखो दोनों में एक का मान सेम आ रहा है, एक ही आ रहा है तो नंबर एक और नंबर दो, एक व दो की एक व दो से ए का मान कितना है एक, बी का मान भी कुछ नहीं है तो जीरो, माइनस जीरो आएगा लेकिन जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस माइनस कुछ भी लिखो, सी का मान लिया अंडर रूट पांच मान पड़ेगा पर मानक समीकरण में द्विघात मानक समीकरण ये है ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ए बी सी के मान रखने पर एबीसी के बाद में एक का मान बराबर दिया एक्स स्क्वायर
बी का मान 0 कर दिया इनटू एक्स, सी का मान 5 कर दिया, तो यहाँ जो एक्स स्क्वायर 0 को इससे क्या जो 0 गुण 5 किया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 और ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। मैंने आपको दूसरे सवाल के दो सवाल, तीन सवाल करा दिए, तो पहले करा दिए, दो सवाल ये करा दिए। सेम सवाल आप कर सकते हो, मेथड आपके सामने है, आप चाहो तो इस मेथड से और आप चाहो तो इस मेथड से, दोनों मेथड में से आप कोई से भी मेथड से सवाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे का कल करेंगे।